वही झुंझुनू के खतरी में खदान में लिफ्ट गिरने के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन 13 घंटे बाद खत्म हो चुका है। बता दें 1800 फीट नीचे लिफ्ट में फंसे सभी अधिकारियों को बाहर निकाल लिया गया है। इसमें से एक अधिकारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई, उनकी डेड बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है। दरअसल मंगलवार रात करीब 8 बजे अचानक रस्सा टूट जाने के कारण 14 अधिकारियों से भरी लिफ्ट 1875 फीट नीचे गिरी थी। इस हादसे में 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिस कारण उन्हें बाहर निकालते ही एम्बुलेंस से जयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वही मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई।